हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का की पॉइंट्स चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीडियो 2018 जो री एग्ज़ाम जून माह में होना लगभग तय है उसी पर चर्चा करने वाले हैं। कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग ला सकते हैं, किस सब्जेक्ट में लगभग कितना प्रश्न हम लोग करेंगे तो लगभग हम लोगों का चयन हो सकता है, ठीक है। तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 120 प्रश्न लगभग हमें लाना जरूरी है। बात करते हैं, तीन सब्जेक्ट है, हिंदी है, रीजनिंग है और जीके जीएस, ठीक है। यही है, हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा, यानी कि जितना ज़्यादा प्रश्न आप सॉल्व करेंगे आपको जीएस में उतना ही कम प्रश्न सॉल्व करने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आप जीएस पर तो कमांडर नहीं बना सकते हैं। जीएस क्या है कि कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना भी पढ़ेंगे लगेगा कम ही पढ़े हैं। और हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, इन सब का एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो हिंदी पे यदि हम चर्चा करें तो 40 प्रश्न यदि आप कर रहे हैं तो 40 रीजनिंग भी करेंगे, 40 जीके जीएस भी करेंगे। लेकिन आपको हिंदी में क्या करना है, इस 40 वाले नंबर को बढ़ा करके 43 या 44 तो कर ही देना है। यानी लगभग 43 प्रश्न या फिर 44 प्रश्न आपको हिंदी लगभग सही करना ही करना है। इसके बाद बात करें हम रीजनिंग की, रीजनिंग आपको 44 से 45 प्रश्न तो लगभग सही करना है, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी में यदि 44-45 सही नहीं होंगे तो फिर हमें जीएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत। क्या है, आपको हिंदी में 44 करना है और रीजनिंग में भी 44 या फिर 45 करना है। मान लेते हैं कि आपने रीजनिंग में 45 किया, हिंदी में 44 कर दिया है, तो आपको जीएस में 31 प्रश्न ही करना पड़ेगा। यानी ये 31 प्रश्न कर देंगे, आपका 120 प्रश्न आ जाएगा। यही प्लानिंग हम लोगों की रहने वाली है कि कैसे हम लोग एक प्लान के साथ हम लोग 120-22 नंबर कैसे, माने प्रश्न कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जीएस पर कोई कमांड नहीं बना सकता है, आप कुछ ही लिमिटेशन में तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि क्या वहाँ से प्रश्न आएंगे या फिर नहीं आएंगे। लेकिन हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, आपका एक कमांड बन सकता है, उसका एक सर्टेन लिमिटेशन में सिलेबस है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने बताया भी है कि हिंदी में आप कैसे तैयारी करेंगे, उस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो श्योर है कि आपका 44 या फिर 45 नंबर हिंदी में आप जरूर लाएंगे। यानी कि 43 से 44 प्रश्न आपको हिंदी में लाना है, 44 से 45 प्रश्न आपको रीजनिंग में लाना है और 31-32 प्रश्न जीएस में भी यदि आप कर पा रहे हैं तो अब भी 120 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो से जुड़ी सभी प्रकार के डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे और वीडियो का जो परीक्षा है वो तो जून माह में संभावित है ही। चलिए रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।